मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले मैं अपने बैठने के लिए लेकर आया एक एंटी स्पोर्ट्स की रॉयल चेयर। बहुत टाइम मैंने उस पर बहुत मजे किए, बहुत बैठा मैं उस कुर्सी पर। लेकिन जब मेरा स्टोर खुला तो मेरे मित्र, मेरे स्टोर पार्टनर्स ज़बरदस्ती फोर्सफुली मेरे से वो चेयर खींचकर मेरी दुकान पर ले गए। उसके बाद टाइम आया नई चेयर लेने का, तो मैं लेकर आया अपने लिए ये गोल वाली स्टूल जैसी लोहे की चेयर। और अच्छी थी भी बहुत, काफ़ी ऊँची उठ जाया करती थी, काफ़ी नीचे भी चली जाती थी। पर फिर तरन तेज सिंह 100 किलो का पहलवान, वो आदमी मेरी चेयर पर बैठ कर ऐसे 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 हिलने लग गया, जोर जोर से धक्के दिए उसने मेरी चेयर को। और उस आदमी ने मेरी वो चेयर भी जो थी वो तोड़ दी। अब मुझे अपने बैठने के लिए चेयर चाहिए थी जिसको मैं अपने सेटअप में ऐड कर पाऊँ, एक अच्छी गेमिंग चेयर, पर मेरा कोई चारा नहीं बचा था। मैं बहुत परेशान, लेकिन आज ऐसी की तैसी मेरी लाइफ की ऐसी तैसी करने वालों की लेके आ गया तुम्हारा भाई अपनी नई गेमिंग चेयर जो तुम देख सकते हो यहाँ पर, गेमडियाज की एफ्रोडाइटी MF1। और कुछ टाइम लगा इसको डिलीवर होने में क्योंकि बाहर से आ रही थी, लेकिन फाइनली आ चुकी है। तो आज की वीडियो में करेंगे इस चेयर की अनबॉक्सिंग, बिल्ड करूंगा मैं अपनी गेमिंग चेयर को और आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है इस चेयर के, मुझे कैसी लग रही है। एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बाद में भी बनाएंगे जब इसको 3-4 महीने में यूज कर लूंगा, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू होता है तब मैं आपको दूंगा। आज की डेट में इसको बनाकर इसका फील कैसा है, क्या क्या इसमें है, वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा, आई विल बी राइट बैक। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते जल्दी से अनबॉक्सिंग को। Alright, so first of all, Aphrodite means the ancient goddess of love and beauty. जानते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, काफी जानते हैं कि MDR वाले हमें, मेरा मतलब है जानते हैं कि हम कितने प्यारे से इंसान हैं। First of all, हमको मिल रहा है ये जो कि इसका नीचे का पार्ट है, जो जिसके ऊपर जो चेयर है वो रोटेट करती है, मतलब वैसे इसके ऊपर चेयर स्टैंड करती है, तो आप इसको उसका स्टैंड बोल सकते हैं। इसी के नीचे इसके व्हील्स लगेंगे जिनसे ये रोटेट करेंगे। डाई हमारा टूटा नहीं है, वो निकला है बस। तो अभी सारे मटेरियल को मैं यहाँ साइड पर रखता जाता हूँ, उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं टेबल हटा दूंगा, हम लोग इसको नीचे असेंबल करेंगे। भाई नो डाउट फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी जो क्वालिटी अभी मुझे फील हो रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी गद्देदार, ये वो है जहां पर आप अपनी बैक को रेस्ट करेंगे, ये वो वाला पोर्शन है। यहाँ पर गेमडियाज की अच्छी सी ब्रांडिंग हो रखी है और इसको रख देते हैं। तो ये है गाइस वो पार्ट जिस पर आप अपनी तशरीफ टिकाएंगे, ठीक है। ये है वो गद्देदार पार्ट जहां पर आप अपनी गद्देदार तशरीफ सजाएंगे। गाइस काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, काफी आराम देगा आपकी तशरीफ को, बिकॉज योर तशरीफ डिजर्व्स द बेस्ट। इसके बाद में गाइस तुम्हें सराहने मिल रहे हैं, एक ही सराहना चेयर के ऊपर लगेगा जैसे मेरे ऊपर लगा हुआ है, एक सराहना चेयर के और ऊपर लगेगा ऐसे। तो ये दो पिलोज हैं जो कि आपका, एक ये हेडरेस्ट है जहां पर आप हेडरेस्ट करेंगे और ये आपका बैक रेस्ट है, तो इनको भी रख लेते हैं। के बाद में आपको इस तरह के जो इसके दो आर्म रेस्ट हैं, और इस चेयर में सबसे बढ़िया बात है कि इसके जो आर्म रेस्ट है ना ये भी फुली एडजस्टेबल हैं, जब बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगा। तो दो आर्म रेस्ट हैं वो हमें मिल जाते हैं, इनको रखते हैं साइड पर। ये है इसका दूसरा बॉक्स जिसमें कि आपको इसकी जो गैस लिफ्ट है और जो इसका वो लिवर है जिससे किसी गैस लिफ्ट ऊपर नीचे सरकती है वो आपको मिलता है, तो इसको भी खोलेंगे अब जल्दी से। इतना ही है ना, हाँ। बॉक्स में आपको यही ताम झाम मिलता है, इसको करते हैं साइड, टेबल को हटाता हूँ, उसके बाद जमीन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं चेयर को बनाना। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस अब इस चेयर को असेंबल करने के लिए मैं बैठ चुका हूँ जमीन पर, क्योंकि हम काफ़ी जमीन से जुड़े लोग हैं, हम जमीन पर बैठना बहुत पसंद करते हैं। तो
सबसे पहले तो ये बॉक्स को खोल लेता हूँ, इसमें इसके सारे स्क्रूज होंगे और इसके टायर भी होने ने ए है? मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम में से जिस भाई ने वो स्पाइडरमैन देखी है ना, एक बार स्पाइडरमैन का एक वर्जन आया था पंजाबी वाला, वो जिसमें कड़िच्चे था और मुरली, इसमें ऐसे कहता है कि ओ ड्राइवर गड्डी आ गए ना लाई मेरी वड्डी गड्डी का रोप पहन दिया, कहता क्यों अगे मीह पै रहे जेड़े स्कूल तेन दाखिला दिलाया उद्दे चू फेल हुआ, तेन शर्म नहीं आँगी नहीं शर्म करनू मैं नंगा बैच हुआ। तो अगर जिस जिसने वाली स्टोरी देखी है, मतलब ये वाली स्पाइडरमैन देखी है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मुझे तो बड़ी मस्त लगी है। तो गाइस ये है इसकी गैस लिफ्ट, क्लास 4 गैस लिफ्ट, बहुत ही हैवी ड्यूटी गैस लिफ्ट है ये, और यही होती है जिसके ऊपर जिसके बेस पर आपकी जो चेयर है वो ऊपर नीचे जो होती है ना, तो वो इससे होता है। इसको रखते हैं पहले साइड, पहले हम जरा व्हील्स लगा लें। तो ये सारे व्हील्स हैं इसके चेयर के, इनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। चेयर को इंस्टॉल करना कोई खासा मुश्किल नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास एक और चेयर है ऐसी। और तुम पूछोगे कि मैं ये चेयर क्यों ले रहा हूँ, तो भाई जब मैं अपने लिए कुछ ले रहा होता हूँ तो आई ट्राई कि मैं ऐसे ही ब्रांड का प्रोडक्ट लूँ जो मैंने यूज़ कर रखा है या जो मैं ऑलरेडी किसी के मुँह से अच्छा सुन चुका हूँ बहुत ज़्यादा, जो मेरे कोई क्लोज हो या रीनोनो। तो गेमडियस का काफ़ी सारा फर्नीचर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो अब मुझे ट्रस्ट हो चुका है कि भाई नहीं क्वालिटी वाइज बढ़िया चीज़ है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको लगाकर सिर्फ हम लोगों ने पुश करना है और जो व्हील है वो इंसर्ट हो जाता है, अंदर लग जाता है। सभी व्हील्स लग चुके हैं, इसीलिए अब ये ग्लाइड कर रहा है इस पर। अब बारी आती है लगाने की क्या, तो गैस लिफ्ट लगा लेते हैं। आई थिंक यहाँ से लगती है, यस बस हाँ ओके है, लग गई। अब इसके बाद गाइस जो मेन चीज़ है ना इसकी, जिसको इंस्टॉल करना होता है, वो होता है हमारा तशरीफ पोर्शन, ये वाला। तो इसमें काफ़ी तामझाम लगता है, इसको लगा लेते हैं पहले इसके नीचे जो है, यस यहाँ पर। इस बार इन्होंने मैनुअल भी नहीं भेजी यार, गलत बात है वैसे। ये कह रहे हैं कि लड़का होशियार है, इसको मैनुअल भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। देख लो, अब ये वो वाला पार्ट है जो कि इस पर इसके नीचे ऐसा बेस लगेगा ऐसे करके, और फिर यहीं पर ये वाला पार्ट जो है वो इससे अलाइन हो जाएगा। तो इसको लगा लेते हैं, देख लूँ पहले इसको लगाना कैसे। सैक्रूज ला लेते हैं। तो गाइस पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब बारी है इसके आर्म रेस्ट को इंस्टॉल करने का। मेक श्योर यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेशन दे रखी है राइट और लेफ्ट की, तो उसको देखकर लगाना है कि तुम्हारा राइट आर्म इस तरफ है तो ये राइट पर लगेगा, ये लेफ्ट आर्म है तो लेफ्ट पर लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना तुम्हें फिर खोलना पड़ेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसको लगा लेते हैं। और हाँ, तुमको ये भी बता दूँ कि भले वीडियो में मैं तुम्हें बहुत एक्साइटेड दिख रहा हूँ, बट इस चेयर को मेरे पास आए हुए आज एटलीस्ट 10 दिन हो चुके हैं, तो तुम इमेजिन कर सकते हो आलस का लेवल जो है हमारा। आज जाके मैंने हिम्मत जुटाई है कि आज इसको बनाएंगे कुछ भी हो जाए। वैस इसके दोनों आर्म रेस्ट जो हैं वो मैंने लगा दी हैं, और इसमें ये बड़े कमाल की बात है कि जो आर्म रेस्ट है ये फुली, मतलब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो कंसोल गेमर्स हैं। चलो बाद में बताऊंगा, पहले असेंबल कर लेते हैं, बैठ के पूरा समझाऊंगा फीचर्स वगैरह जो हैं। अब इसको एक गैस लिफ्ट के ऊपर जो हम प्लेस कर देते हैं, डन। तो आप देख सकते हो इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको लगाते हैं, उसमें थोड़ी सी मगज मारी है तो उसको चालू करते हैं लगाना जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर ये दो होल्स आपको दे रखे हैं, इन्हीं होल्स को हमें यहाँ पर अलाइन कर देना है और स्क्रूज लगा देना। सिमिलरली दूसरी साइड का भी सेम हिसाब किताब है, तो जल्दी से इसको लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरा ऊपर का पोर्शन भी जो अपना चेयर का लग चुका है। बाद ये सिर्फ साइड के जो कवर्स हैं जो कि आपके लगेंगे इधर, इनको लगा देना है हमें बस। आई थिंक ऐसे ही लगने हैं ना ये, यस ऐसे ही कवर्स लगेंगे। इसके साथ में छोटे वाले स्क्रूज भी दिए हुए जो लगेंगे इस पर।
तो सिमिलरली गाइस दूसरी तरफ का भी जो है हम इसका जो स्टैंड है वो लगा लेते हैं, और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, चेयर को बिल्कुल भी मुझे मुश्किल अभी तक नहीं। और एक ख़ास बात बताऊं, मैंने अभी तक मैनुअल देखी भी नहीं इसकी, मतलब मैंने डब्बे में से भी नहीं निकाली। तो इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपने कभी कोई गेमिंग चेयर असेंबल करी है तो तुम इसे बिना किसी भी मैनुअल के ईजिली जो है असेंबल कर सकते हो। अगर नहीं करी तो मैनुअल देख के बड़ी आसानी से कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है इसको असेंबल करना। तो टाइम आ गया कि जो इसके वो ये पिलोज आते हैं साथ में उनको लगा लें हम लोग। तो एक इसकी पार्ट को नीचे से आपको निकालना है इस तरीके, पीछे की साइड पर आपको इसको बस इन बेल्ट्स को जो है क्लिप कर देना आपस में। लॉक्ड। इसको लगाना तो बहुत सिंपल है, यहां से बेल्ट खोलो, सिंपली यहां से पास थ्रू करो इसको और पीछे उसको बेल्ट को लॉक कर दो। खत्म। तो ये पूरी चेयर जो है भाई की बन के एकदम तैयार हो गई, मजा सा आ गया, इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, इतना क्या बताऊँ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चेयर के फीचर्स की। पहली बात तो भाई चेयर बैठने में बेहद कंफर्टेबल, बहुत जिसे कंफर्टेबल कहते हैं ना, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे चेयर्स हैं गेमिंग चेयर सस्ते वाले जो कि जिसमें ना ये कुशनिंग नहीं प्रोवाइडेड होती। इसकी जो कुशनिंग है बहुत सॉलिड है और भाई बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लस यहाँ पर ये इसके आर्म रेस्ट हैं, हैंड रेस्ट जो है ये पूरी तरह से एडजस्टेबल है, मतलब मेरे को इसको अपने हिसाब से ऊपर करना है अपने बॉडी के हिसाब से, मुझे इसके नीचे करना है वो कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर कर लिया अपने बॉडी के हिसाब से, यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। अगर एक पीसी गेमर है तो आप इसको ऐसे रख के खेल सकते हैं इस पोजीशन में, अगर आप एक कंसोल गेमर है जिस केस में आपको जो है कंट्रोलर को पकड़ना होता है हाथ में, तो आप इनको ऐसे घुमा सकते हैं। अभी मेरे लिए कंसोल पकड़ना बहुत आसान हो गया है, तो इसीलिए इसको पूरा कस्टमाइजेबल बनाया गया, बाहर रख के जो खेलते हैं थोड़े हैंड्स वाइड करके अंदर, और ये पूरा बाहर की तरफ अंदर की तरफ हो गया कंसोल गेमर्स के लिए। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है। प्लस चेयर जो है इसकी हाइट को आप नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका लीवर कहाँ गया, इस तरफ है, हाँ ये लीवर है। अभी ये सबसे लोएस्ट हाइट है, इसको हम इतना जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल ऑप्शंस भी पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस इसका जो पीछे का पार्ट है उसको भी हम जो है टिल्ट कर सकते हैं पूरा, ये या तो इसको बिल्कुल आगे कर सकते हो या ऐसे फुल कंफर्ट में एकदम आराम से। चलो भाई गुड नाइट। स्वेति गाइस आज की वीडियो और मेरी नई गेमिंग चेयर की अनबॉक्सिंग प्लस इंस्टॉलेशन गेमडियास एफ्रोडाइट MF1 मुझे बहुत कमाल की चेयर लग रही है। बाकी ये थी आज की मेरी वीडियो और मेरी नई गेमिंग चेयर, मेरी गेमिंग चेयर की अनबॉक्सिंग प्लस इसकी इंस्टॉलेशन। हाँ मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जैसे कि मैंने बताया इसको थोड़ा टाइम यूज़ कर लूँ, अच्छे से इसको रगड़ लें चेयर को, उसके बाद इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू यूजेज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जरूर से। फिलहाल के लिए ये था इसका फर्स्ट इंप्रेशन। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।